दाता भला करे। पहली आडियो में मैंने जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से हम लोग आगे चलते हैं। मैंने ये कहा था कि आपको अभी ये नहीं करना है। यहाँ पे आके जो सिद्ध पुरुष हैं या साधक हैं वो ये सोचते हैं कि बाबा जी ने हमें रोक लिया, पता नहीं क्या बात है, क्या हमारी उन्नति से इनको क्या कोई जलन या हसद हो रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। और पूछा मेरे से कि इसका कारण क्या है, आप क्यों मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी आप शुरुआती दौर में हैं, आपको जो परमात्मा की तरफ से प्रसाद मिला है, आशीर्वाद मिला है, जो आप किसी को अपने मुख से कहेंगे तो वो सत्य होगा। तो इसके पीछे जो ताकत लगेगी वो आपके नाम की कमाई लगेगी, जो आपने बरसों से, देखिए किसी कोई किसी का कहना है कि मुझे 25 साल हो गए, किसी के 30 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, तब से आप सिमरन कर रहे हैं। ये सत्य है कि सिमरन ने आपके अंतर मन को जगाया, आपके अंतर अजबा जब शुरू हुआ उससे नाद की भिन्न भिन्न जो है ना वो आवाज़ें आपको आनी शुरू हुई, और अब आपका जो नाद है वो स्थिर हो गया है और उसमें आप लीन भी हो रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, आपके मन में ठहराव भी आ गया है। तो आप किसी का भला करेंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे, तो इसमें आपको अपने नाम की कमाई जो है ना वो लगानी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, ये भी एक शौक पैदा हो जाता है कि मैं किसी का भला करूं, अरे एक का भला किया तो 10 आ जाते हैं, 10 का भला हुआ तो 10 का भला ना भी हुआ, 4 का भी भला हुआ तो और आ जाते हैं, तो वो सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। मैंने उनको समझाया कि देखिए हमारे जो वाटर वर्क की टंकी होती है उसके ऊपर में जो है ना 10-11 इंच की जो पाइप लगी होती है पानी नीचे आने के लिए, और हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते वो जो टूटी है वो आधे इंच की पाइप पे लगती है। उसके अंतर में जो पानी है वो वाटर वर्क की जो टंकियाँ हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, उनमें से मोटरों के द्वारा उसमें चढ़ाया जाता है, और वो अगर पीछे से पानी ना भी आए तो वो कई दिन चलती हैं, 5-5, 7-7 दिन जो है वो चलता है, लेकिन वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में आजकल जो है वो रेन वाटर स्टोरेज का जो है ना वो बनाया हुआ सिस्टम सरकार ने कर दिया है कि ये होना चाहिए, पहाड़ों में खासकर है, वो भी जो है ना वो समाप्त हो जाता है। तो मैंने कहा कि आपकी अभी जो कमाई है ना वो कम है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी ये जो हो रहा है ये आपके मन के कहने से हो रहा है, आप थोड़ा आगे और परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर और होगी, तब आपको आपके अंतर में आपकी आत्मा परमात्मा के संदेश को पकड़ने लग जाएगी, और तब आप जब करेंगे तो आपका कनेक्शन जो है ना वो वाटर वर्क की टंकी के साथ हो गया। समझो परमेश्वर की तरफ से आशीर्वाद आता है, इशारा आता है, संदेश आता है कि अब आप करिए, लोगों का भला करिए। इसी अवस्था में पहुंच के अगर आप लोगों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, तो आपका कोई कमाया हुआ नाम का धन नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इस ऑडियो को नाम दिया था डेंजर जोन, और इसमें से निकलना है। यहाँ क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए रॉकेट को फोर्स चाहिए और वापस आने के लिए उसको फोर्स चाहिए, वहाँ से उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इसी तरह आपको अभी अपना समय बढ़ाना है, उस नाद में लीन होना है, अपनी पावर को बढ़ाना है। देखिए परमात्मा की मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, तो परमात्मा उसका मुआवजा देता है। अभी वो आपका टेस्ट कर रहा है, अभी आप उसकी परीक्षा में हो कि मैंने उसके कहने से, कृपा पाने से जो काम किया है वो परमात्मा ये देखता है कि अभी इसने जल्दी तो नहीं कर दी,
अभी इसको अहंकार तो नहीं आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मारता है ना वो अहंकार मारता है और वो मैं मारती है। यहाँ पे धोखा खा जाता है, सिद्ध पुरुष भी धोखा खा जाता है कि मैंने उसका काम किया था, उसको आशीर्वाद दिया था, उसका काम हो गया, और ये जो उसका काम हो गया मैंने किया था, ये खतरा है। तो मैंने आप जी के साथ जो किया था ना, वादा किया था कि मैं आपको समझाऊंगा कि आप डेंजर जोन में कैसे हैं, तो मैंने यहाँ तक मेरी समझ थी, मैंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। धन्यवाद, दाता भला करें।